यहाँ से काफी स्पीड से काफी फोर्स से पानी नीचे गिर रहा है। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम फिर से आपको एक वाटरफॉल के पास ले जा रहे हैं जो कि राजदरी और देवदरी के नाम से फेमस है। डिस्ट्रिक्ट चंदौली के अंतर्गत ये आता है और अभी हम चकिया क्षेत्र में हैं, तो वाराणसी से इसका डिस्टेंस करीब 60 किलोमीटर अराउंड है और आप गाड़ी की स्पीड देख सकते हैं 40-50 अराउंड अभी हम चला रहे हैं और आगे ये धीरे धीरे और भी कम हमें स्लो करना पड़ेगा क्योंकि हमें पहाड़ों से ही होकर गुजरना है और ढेर सारे माउंटेन ही माउंटेन पड़ेंगे और काफ़ी ऊपर चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं, अभी हम चढ़ाई पर हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये रास्ता सीधा नौगढ़ की तरफ जाता है लेकिन हम नौगढ़ से थोड़ा पहले ही रुक जाएंगे जहाँ पे राजदरी और देवदरी वाटरफॉल है। रास्ता आप देख सकते हैं काफ़ी घुमावदार रास्ता है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर सीधा रास्ता नहीं होता है। तो ये रहे मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ मैं राजदरी और देवदरी के लिए जा रहा हूँ। कहते हैं फ्रेंड्स यदि साथ में रहते हैं तो थोड़ा सा रास्ता सफ़र जो है आसान हो जाता है। ये राजदरी हम पहुँच चुके हैं और ये मेन गेट है। ये गेट पर आप देख सकते हैं चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार लिखा हुआ है और प्रवेश द्वार यही है। यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ पर स्टाफ से बात किया एंट्री के लिए, तो यहाँ पर कुछ चार्ज लिया जाता है, वो भी पर पर्सन के हिसाब से, जितने आदमी रहेंगे उस हिसाब से ये चार्ज करते हैं। वैसे तो 100 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ बताया जा रहा था लेकिन थोड़ा हमने इनसे बात किया तो हमें थोड़ा बहुत इस पर डिस्काउंट भी मिला। और अब इसी रास्ते से होते हुए हम वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। थोड़ा पतला रास्ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रास्ते पर हॉर्न प्रतिबंधित है, आप गाड़ी का हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। तो फाइनली हम अपनी मंजिल के पास पहुंच चुके हैं और ये आप सामने देख सकते हैं राजदरी लिखा हुआ है। एक बोर्ड आपको सामने दिखाई दे रहा होगा जो कि बाएं तरफ राजदरी और पार्किंग का एरिया है और दाहिने तरफ में देवदरी के लिए रास्ता है, बाहरी बाहर आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। ये बाएं तरफ पार्किंग है तो हम यहीं पे अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे अभी यहाँ। और मेन गेट से हम अंदर आ चुके हैं, आप आसपास का एरिया देख सकते हैं। बाएं तरफ में डोरमेट्री बिल्डिंग है और उसके जस्ट पास में ही वेलकम हॉल है। यदि मैं आपको सामने में दिखाऊं तो यहाँ पे कैंटीन है और सबसे पहले हम कैंटीन में ही चलेंगे। कार पार्किंग का भी शुल्क यहीं पर जमा होता है कैंटीन में ही, तो वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए छोटी मोटी चीज़ें मिल जाएंगी, साथ ही साथ आप पानी बॉटल वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। सामने में छोटे छोटे टेंट टाइप से बनाए गए हैं जहाँ पे कि आप बैठ सकते हैं और आराम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे हमें गंदगी दिखाई दी जहाँ पे बैठने के लिए बनाया गया है। सामने में आप देख सकते हैं ये पानी का फ्लो उधर से आ रहा है और हमारे दाहिनी ओर ये पानी जाकर वहीं झरने के पास गिर रहा है। ये जो पानी यहाँ से जा रहा है वो सीधा देवदरी के लिए जाता है।
I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. यहाँ से काफ़ी स्पीड से काफ़ी फोर्स से पानी नीचे गिर रहा है और यही वो वाटरफॉल है जहाँ पे हम आए हैं। राजदेरी देवदेरी के नाम से ये यहाँ प्रसिद्ध है, नवगढ़ में ये पड़ता है और घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह में से एक है। ये सब जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर आप कहीं पे भी स्नान कर सकते हैं क्योंकि जो मेन झरना है उसके नीचे नहाना प्रतिबंधित है यहाँ पे। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. यहाँ पर झरने के जस्ट नीचे आप स्नान नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दुर्घटनाएं पहले हो चुकी हैं, इसलिए यह प्रतिबंधित किया गया है यहाँ पे। ये कुछ रेस्ट हाउस वगैरह बने हैं जो कि आप यहाँ पे यदि आते हैं और स्टे करना चाहें तो आप बुकिंग यहाँ पे करा सकते हैं और रुक सकते हैं। ये आसपास का एरिया जो गार्डन टाइप से आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको झूला वगैरह भी देखने को मिल जाएगा बच्चों के लिए खेलने के लिए, तो छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पे अपना खेल सकते हैं। प्लेग्राउंड भी है छोटा सा। तो ये अब हम आ चुके हैं राजदरी से देवदरी और करीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है राजदरी से देवदरी का। ये आप देवदरी का बोर्ड यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी गहराई है, आप नीचे देखिए जो राजदरी का पानी है वो यहीं पर गिरता है आकर। इसे देवदरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कहते हैं कि काफ़ी ग्रेविटी है, तो यदि आप पत्थर उछालेंगे फेंकेंगे तो वो काफ़ी दूर नहीं जा पाता है और नीचे ही गिर जाता है आपके पास में ही। अब हम राजदरी से देवदरी आ गए हैं और ये देवदरी मेरे पीछे आप यहाँ देख सकते हैं। ये मैं आपको यदि दिखाऊं आप देख सकते हैं नीचे में काफ़ी गहराई है। यहाँ पर राजदरी से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास है और अंदर ही अंदर रास्ता है, तो आप अंदर ही अंदर आ सकते हैं राजदरी से देवदरी के लिए। I won't stop till I hear him say. वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिएटिव एंटरटेनमेंट।